मैं शादी के लायक ही नहीं अभी हूँ। अभी नहीं है? नहीं। क्या मतलब? मतलब ना लड़का ना मैं लड़की हूँ। अच्छा, हिजरा है यानी कि बाप पैदा हुई तो फिर माँ बाप के लिए मसला तो बना। मसला तो बना, फिर माँ बाप नहीं दस दावती बेचती होती है। अच्छा, माँ बाप किसी को नहीं बताता? हाँ, किसी को नहीं बताता। आप लोग गुरु होते हैं? हाँ जी। ठीक है, गुरु किस तरह लेकर जाते हैं आपको? जब गुरुओं को पता चलता है कि किसी घर में हिजरा, तो फिर ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। अच्छा, फिर वो माँ बाप को पूछ के ले जाते। अच्छा, मैंने गलत कोई गल कर जाता है तो मैं कहने मेरे मैं नहीं ऐसे। अच्छा, गलत काम के लिए उकसाया जाता है? हाँ जी, कोई गलत आखेगा तो मैं कहने भी मैं नहीं ऐसे। अच्छा, यानी कि जो हिजरा होता है वो गलत काम भी करता है? नहीं, सारे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ करते हैं। कोई कोई आपके सामने आ जाऊँ। इस टाइम मेरे साथ नादिया मौजूद है, जिसका कहना है ना तो मैं मर्द हूँ और ना मैं औरत। अब क्या हकीकत है इससे बात करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कहाँ से आई है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम नादिया। नादिया, नादिया आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। 35 साल। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ पैदा कहाँ हूँ? पैदा मैं फकीरावाली से। फकीरावाली से। अच्छा, माँ बाप? माँ बाप भी थे। माँ बाप उधर ही थे? हाँ जी। अच्छा, तो आप माँ बाप जिंदा है? नहीं, फोत हो गए। क्या माँ बाप को क्या हुआ था? ओ दिल मोरे रोक गए सोरे। अच्छा, बाप के? बाप नो बस जमान पर मैं छोटी जी से जब फोत हो गए मेरा बाप। अच्छा, तो माँ मेरी नो 3 साल हो गए फोत हो। 3 साल हो गए माँ को फोत हो। अच्छा, मुझे ये बताओ शादी हुई? कैसी आपकी? नहीं। क्यों? मैं शादी के लायक ही नहीं अभी हूँ। अभी नहीं है? नहीं। क्या मतलब? मतलब ना लड़का ना मैं लड़की हूँ। अच्छा, हिजरा है यानी कि? हाँ जी। अच्छा, तो जब खानदान में जाहिर सी बात है कोई बच्चा पैदा होता है तो रिश्तेदार बड़ी ख्वाहिश रखते हैं देखने आने की, और माँ बाप को बड़ा शौक होता है कि हम देखें। और जब आप पैदा हुई तो फिर माँ बाप के लिए मसला तो बना? मसला तो बना, फिर माँ बाप नहीं दस दावती बेचती होती है। अच्छा, माँ बाप किसी को नहीं बताता? हाँ, किसी को नहीं बताता साड़ी बेचती है, इसलिए ना औरतां चो ना मर्दां चो हुंदा। वो इसलिए बनाने दा हिजरा हुंदा, वो ना दुनियादारी चो नहीं हुंदा। आगे समझ है? फिर उन्हें इतने जिंदगी कटनी हुंदी है। आगे समझ? और जे अगर साई लोग ले जान करो तो फिर ले जाते हैं नाल जान, तो फिर उठे जिंदगी आती। अच्छा, साई लोग कौन होते हैं यानी के गुरु? गुरु। हाँ, अच्छा, आप लोग गुरु होते हैं? हाँ। ठीक है, गुरु किस तरह लेकर जाते हैं आपको? जब गुरुओं को पता चलता है कि किसी घर में हिजरा, तो फिर ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। अच्छा, फिर वो माँ बाप को पूछ के ले जाते। अच्छा, माँ बाप के रजामंदी के साथ ले जाते? अच्छा, फिर? फिर नानी वो डांस कराते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो अपने घर रखते हैं। वो गलत काम तो नहीं करवाते? नहीं कराते हैं, जो वो खुद करे तो उन्हें नहीं रोकते, जो अपने आप नहीं कराते वो नहीं कराते। अच्छा, किसी पर यानी के फोर्स नहीं करते गलत काम के लिए? हाँ। अच्छा, फिर अपनी जिंदगी इतने बसर करते है, कोई पिंड जाते मंगण मांग के अपनी जिंदगी बसर करते। अच्छा, मुझे ये बताओ नातिया, अब 35 साल जिंदगी के गुजारे, आप भी इंसान हो, दिल तो धड़कता है आप में और लोगों में, मसलन जब आप कहीं जाते हो तो लोग आगे से किस तरीके का रवैया और किस तरीके का बर्ताव आपके साथ बरतते हैं? मैं किसी घर जाती हूँ ना मंगल, उन दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ने बहुत बच्चे भैन भरा अल्लाह कारोबार से बरकत अल्लाह सहन दे सके। आंखों में आंसू क्यों है? बाबा लाला ने सरकार आंखों में आंसू क्यों है नादिया? नहीं, मेरे भी नहीं आंखों में नहीं। मैं कहते हैं दुख होता है? हाँ जी, दुख होता है जब दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं। जो दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं ना मैनू, मैं उस वक्त ये इंसान बुरी नजर ना देखे मैं बेइज्जती कर देता हूँ।
हाँ उसकी पूरी बेइज्जती कर देने बेइज्जती कर देते हो हाँ। अगर किसी ने को मजाक किया तो फिर क्या कहते हो उसको बताओ ना जरा ताकि लोग जो मैंने गलत काल आखे तो मैं कहती मैं नहीं इस तरह। अच्छा यानी कि जब कहीं से ट्रांसजेंडर गुजरता है तो उसको किस तरह के जुमले सुनने पड़ते हैं हमारे देखने वालों को बताओ ताकि जो है जो तो मैंने गलत कोई गल करेगा मैं कहने मैं नहीं इस तरह। अच्छा गलत काम के लिए उकसाया जाता है हाँ जो कोई गलत आखेगा तो मैं कहने भी मैं नहीं इस तरह। अच्छा हाँ। यानी कि जो हिजरा होता है वो गलत काम भी करता है नहीं सारे नहीं करते हैं लेकिन कुछ कुछ करते हैं हाँ, कोई कोई सारे इंसान नहीं करते हैं। अच्छा सारे यानी कि जुड़े गलत काम नहीं करते हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसके बाद जब माँ बाप का इंतकाल हुआ फिर जिंदगी आगे किस तरह गुजार रहे हो हम जिंदगी मेरी इतनी नंगनी है बस मांग के मैं खा लेना घर से बाहर आ गए हाँ तो रोजी पानी कमा के और पहन लेना कपड़ा ला ले जूती ला ले बस। अभी रहते किन के पास जी रहते किसके पास मैं रहती हूँ इतने मेरे रिश्तेदार या मेरी मासी बनी हूँ। अच्छा और को मैं देने अच्छा जी। अब फिर पीछे इधर कितने मसलन इधर सर डेली कमाती हो फिर उनकी तरफ ले जाती हो नहीं मैं आपने को रखती हूँ। अच्छा अच्छा उन्हें नहीं मांगते मेरे फिर की करने मैं अपना कपड़ा लीड़ा लेने या अच्छा खाने पीने या बस। अच्छा ते हूँ आगे की सोचा किस तरह जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे नहीं मेरी जिंदगी गुजरनी जो एक ट्रांसजेंडर हूँ देखना तेरा अगे कोई ना कोई पिछे किसी के घर सुननी है जाके अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए तो हॉस्पिटल जो एक ट्रांसजेंडर जाता है एक हिजरा जाता है उन्होंने किस तरीके का ट्रीट किया जाता है किस तरीके ना वो मेरे जेडे वो रेंदे हैं ना मेरी मासी रेंदी वो मेरे चकती है उन्होंने पता मेरा। अच्छा मेरे माँ प्यो का भी पता वा फिर इसलिए वो आपका सनाटी कार्ड ला के मैं दवाई ले दें। अच्छा ते डॉक्टर तुम अच्छे तरीके ना ट्रीट कर लेंगे हाँ जी कर लेंगे। अच्छा आज तक कोई जिंदगी च कोई इस तरह का वाक्य होया है जेड़े दिल नु लगया होया है बड़ा दुख होया है यार रोई हो इकल्ली बैठ के नहीं मैनू जिंदगी मेरी माँ दी जो मरी सी उदो ही मैं रोई सा मैनू वही दुख है बस और मैंने किसी दिन दुख माँ अच्छी सी हाँ अच्छी सी मेरी माँ। माँ कभी हिजरे होने का ताना तो नहीं सी दिता माँ ने उन्हें तो नहीं दिता से बस अल्लाह के काम बंदे का तो नहीं बंदा तो नहीं बस हो सकता। अच्छा इस टाइम तेरी बहुत दुनिया है पैगाम देख रही है उन्होंने की पैगाम देना चाहेंगी उन्होंने मैं जेड़े ताने कसते ने जेड़े पिछों गल्लां करते ने तालियां मारते ने उन्होंने देख इस टाइम तेरे को स्क्रीन भी है प्लेटफॉर्म भी है उन्होंने की पैगाम दे उन्होंने भला होवे बस बस भला हां मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता मदद वास्ते किसी ने नहीं कहेंगी मरियम नवाज साहिब इस टाइम बहुत काम कर रहे ने उन्होंने नहीं कहेंगी कि साडे वास्ते भी कुछ करता जाए वो किसे किसे वास्ते करेगी इतनी दुनिया तो वहां बैठी है कोशिश तो कर रहे हैं हाँ कोशिश मैं किगड़ा कल्ली बैठी है कितनी दुनिया वाम बैठी जी। नाज़रीन हमारे मुआशरे का एक रुख ये भी है जिनको हम कुछ समझते ही नहीं है ये वो लोग हैं इनके अंदर भी तो दिल है। जब मैं प्रोग्राम कर रहा था इसकी आंखों में जो आंसू देखे वो मैंने देखे और इसके दिल में जो दर्द देखा वो मैंने देखा। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा प्रोग्राम के लास्ट में कि कम से कम जब ये गुजरते हैं तो हमें पीछे से इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तालियां मार के जो हम इनका मजाक उड़ाते हैं बहुत गलत। और मैं लास्ट पे अपने वजीर आजम साहब से भी और अपने वजीर आला साहब से भी यही अपील करना चाहूंगा कि ये भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है ये भी इंसान है इनको भी पेट लगा है इनको भी भूख लगती है इनके लिए भी कुछ किया जाए। मुझे दीजिए याद मिलता है किसने प्रोग्राम में नेटो के साथ।